हाय एवरीवन, दिस इज़ विजेता एंड वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल एमडिया सर्वाइवल जर्नी। होप आप सब बिल्कुल सही होंगे। सो आज मैं आपके सामने जिस टॉपिक का डिस्कशन करने जा रही हूँ वो है कि टीबी रिलैप्स क्यों होता है, क्या कारण है जिस वजह से टीबी जो है रिलैप्स हो जाता है। बिकॉज मेरा खुद 2 times रिलैप्स हुआ है। आई वॉज सफरिंग फ्रॉम 2013 टू 2017। सो 2013 में फर्स्ट टाइम हुआ, देन अगेन 2 बार रिलैप्स हुआ एंड उसके बाद मुझे MDR हुआ। तो अकॉर्डिंग टू मी इसके बेसिकली जो हैं मेन 3 कॉज हैं जिसकी वजह से टीबी रिलैप्स होता है। फर्स्ट वन इज़ कि पहले तो उसका डायग्नोजी प्रॉपर नहीं हुआ है कि आपको कौन सी टाइप का टीबी है, नॉर्मल है या मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस है या टोटल ड्रग रेजिस्टेंस है, कौन से टाइप का आपको टीबी है वही मतलब डॉक्टर जो है डायग्नोज नहीं कर पाता है किसी भी कारण की वजह से। ठीक है, तो फर्स्ट तो ये हो गया। सेकेंड, जो पेशेंट है वो मेडिसिन के साथ अडेयर नहीं कर रहा, मतलब मेडिसिन को वो प्रॉपरली नहीं ले रहा है, या तो बीच में मिस कर रहा है या मतलब टाइम टू टाइम नहीं ले रहा है। तो ये सेकेंड रीज़न है। एंड जो इसका थर्ड रीज़न है लाइक इम्यूनिटी, राइट? यस, थर्ड इज इम्यूनिटी, कि जो आपकी इम्यूनिटी बहुत ही ज़्यादा कम है, आप प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी क्या कम है और टीबी का जो बैक्टीरिया है अगेन आपकी बॉडी को अटैक कर रहा है। तो ये जो 3 कारण है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रखिए। जब भी आप टीबी का ट्रीटमेंट ले रहे हो तो ये दिमाग में रखिए जरूर। जब भी आपका लाइक फर्स्ट टाइम भी हुआ है तो डॉक्टर को इंसिस्ट कीजिए कि कौन से टाइप का टीबी है ये चीज़, ठीक है? और जब कोई भी डायग्नोज हो गया एंड उसके बाद आपकी जो मेडिसिन हैं उसको प्रॉपर टाइम पे लें, उसके साथ अपनी डाइट का भी ध्यान रखें, योगा और एक्सरसाइज भी करें। जब आपका ट्रीटमेंट ख़त्म हो जाता है तो आपके पास 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसके बाद करने के लिए, तो वो है फर्स्ट इज़ योर डाइट एंड सेकेंड इज़ एक्सरसाइज। तो इन दोनों चीज़ों के साथ आप अपनी जो टीबी है उसको अपने आप से दूर रख सकते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब मैं आपको बाय बाय कहने जा रही हूँ। तो इन सभी कारणों को अपने दिमाग में रखिए, अपना टीबी का ट्रीटमेंट पूरी तरह से लीजिए, डाइट पूरी तरह से लीजिए, और तब तक के लिए बाय बाय।